आइए करते हैं रेशियो के एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। कभी भी अगर हमें ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी गिवन हो और हमसे पूछा गया हो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें देखना होता है कि ए कहाँ लिखा है, ए यहाँ लिखा है और तो कहीं नहीं आया, तो हम क्या करेंगे सीधे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 × 1 × 3 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर हम देखेंगे बी और कहीं तो नहीं आया, आप बताइए बी कहाँ आया, बी यहाँ आया है, आप देखिए बी फिर यहाँ आया, तो हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे चलेंगे 3 × 1 और फिर सबको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 1 3 × 3 9। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि सी कहाँ ही आया, आप बोलेंगे सी यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, तो आप बेसिकली 3 × 2 करिए और फिर यहाँ से यहाँ आ जाइए, 3 × 2 = 6 = 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप बताइए डी की तरह, आप बोलेंगे डी यहाँ से सीधे यहाँ आया, तो आप भी सीधे यहाँ से यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 = 6 = 24। ठीक है, अब आप इनका रेशियो ले लीजिए, 3 से सब कट जाएगा, कितना आएगा 2:3:6:8। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।